नमस्कार, आप देख रहे हैं विटनेस बिहार। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेवाद सच के साथ। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का माहौल चल रहा है और वर्ष 2021 दिसंबर माह में दसवें चरण का चुनाव बछवाड़ा प्रखंड में हो रहा है। दसवें चरण का चुनाव को लेकर नामांकन तो समाप्त हो चुका है, तमाम प्रत्याशियों को श्रीमल भी मिल चुका है और अभी पर चुनाव प्रसार प्रसार प्रारंभ क्षेत्र में नहीं हुआ है। आज हम चुनावी यात्रा में मौजूद हैं। बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत चिरंजीवीपुर पंचायत में, चिरंजीवीपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं नवीन शर्मा, और आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस उद्देश्य के साथ वह चुनावी मैदान में। आखिरकार चुनाव तो आया है, चुनाव में तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन चुनावी मैदान में आने के बाद वो तो अपना उद्देश्य बताते हैं, लेकिन सफलता मिलने के बाद अधिकांश मुखिया अपने जनता को भूल जाते हैं। लेकिन इन तमाम बातों को लेकर भी हम इनके साथ चर्चा करेंगे। आखिरकार मुख्य उद्देश्य क्या है इनका चुनावी मैदान में आने का, इस पर हम बात करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिरंजीवीपुर पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी नवीन शर्मा जी, और हम इनसे आज बात करेंगे। विटनेस बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दीपक सर, और सबसे पहले तो मैं जीटी न्यूज को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने चिरंजीवीपुर पंचायत में सब कुछ माहौल जानने के लिए आए, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसा कि आप इस बार चिरंजीवीपुर पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और आप इस बार चुनावी मैदान में, तो आखिरकार किस उद्देश्य के साथ हम चुनावी मैदान में आए हैं? देखिए, चिरंजीवीपुर पंचायत का जितना भी अभी तक सब लोग आए, सब लोग काम किए, इस बार मैं अपना उद्देश्य यही कहना चाहूंगा, जनता जितना सोची नहीं होगी उतना इस बार पंचायत में मुखिया को खोजने के लिए लोग घर घर जाते थे, लेकिन इस बार सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। तो जैसा कि यदि आपको, अगर चिरंजीवीपुर की जनता यदि आपको अपना मत देती है, यदि आप विजयी होते हैं, तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता हमारी होगी भ्रष्टाचार को खत्म करना। दूसरा, हमारे युवा पीढ़ी, बच्चे बच्चियां जो स्कूल कोचिंग के लिए सुबह सवेरे निकलते हैं, हम सबसे पहले वार्ड में एक प्राइवेट कोचिंग की व्यवस्था करेंगे ताकि हमारे यहाँ के युवक युवतियाँ जितने भी हैं वो अच्छे से शिक्षा का ग्रहण करें और अपने पंचायत का नाम रोशन करें। तो जैसा कि आपने कहा कि यदि हमको मत मिलती है तो अगर हम विजयी होते हैं तो शिक्षा को लेकर क्या करेंगे, शिक्षा को लेकर आप क्या काम कीजिएगा? शिक्षा के लिए हम सबसे पहले हर वार्ड में एक प्राइवेट कोचिंग की व्यवस्था करेंगे प्रत्येक वार्ड में, और हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए ट्यूशन प्राइवेट जो हमारा टीचर के माध्यम से हर वार्ड में एक बच्चे के लिए व्यवस्था करेंगे ट्यूशन का, और बच्चे जब जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, तो हमारा चिरंजीवीपुर पंचायत अपने वार्ड अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और हमारे बिहार और हमारे भारत वर्ष का भी नाम रोशन करेंगे। ये क्या चुनावी वादे तो नहीं है? नहीं, हमारा चुनावी वादा नहीं, लेकिन हम इतना जरूर ये कहेंगे क्योंकि हम जब जो जिस ओर से यहाँ तक अभी हमारा उम्र लगभग 45 इयर्स हुआ, और 45 ईयर में हमने जो देखा है, हमने जो परखा है, हमारे बच्चे बच्चियाँ क्यों रुकावट बनते हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसका हम सबसे पहले जाना है, और इसी उद्देश्य से इस बार अपने चिरंजीवीपुर पंचायत में आए हैं। और हम प्रत्येक युवा पीढ़ी से भी कहना चाहेंगे और प्रत्येक माँ बहन किसान मजदूर भाई सबसे कहना चाहेंगे, जो इस बार अगर आप मौका देते हैं तो आपके पंचायत में वो विकास वो सपना पूरा होंगे जो आपने कभी अभी तक नहीं देखा होगा। एक ही विकास का सपना है, हर घर विकास हो, हर घर युवा पीढ़ी आगे बढ़े, हर माँ बाप को मान और सम्मान मिले, हर गरीब अमीर सब एक समान, सबको इज्जत सबको सम्मान। जैसा कि चुनावी जब माहौल आता है, चुनावी माहौल में तमाम वादे होते हैं, लेकिन जब चुनाव में किसी को अगर सफलता मिलती है तो वो भूल जाते हैं, तो क्या आपको या मुझे तो लगता है कि चुनावी माहौल के अनुकूल तो आप ये सारी बातें नहीं बोल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो हम पढ़े थे
जो डेमोक्रेसी इज द बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, ये प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही बनाई गई है। लेकिन अधिकतर लोग, अधिकतर हमारे प्रतिनिधि, जो उनका मकसद जो भी हो, लेकिन मेरा मकसद एक ही है, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में लोगों के लिए काम करना है, अपने समाज के लिए काम करना है। और जब अपने समाज के लिए आप काम करेंगे तो आपका हमेशा नाम रोशन ही रहेगा। चिरंजीवीपुर पंचायत में ऐसी क्या समस्या आपको दिख रही है, यदि आपको अगर सफलता मिलती है तो उस समस्या को आप दूर करेंगे? सबसे पहले तो मैं चिरंजीवीपुर पंचायत में ये समस्या को देख रहा हूँ, हमारे एक नंबर वार्ड से लेके और सात नंबर वार्ड तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। और इस बार जो हमने देखा है, जो हमारे एक से सात तक जितने भी नागरिक हैं, उन्होंने काफी दुख की समस्या को उठाया है। और हमारा जब नजरिया पड़ता था तो हम देख के भी कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इतना अंदर आत्मा से विश्वास पैदा होता था, हमें एक मौका अगर हमें चिरंजीवीपुर पंचायत के मालिक, जनता मालिक देते हैं, तो सबसे पहला प्राथमिकता होगा ये जल निकासी की सबसे पहले व्यवस्था करना, क्योंकि यहाँ के हमारे जितने भाई बहन, किसान मजदूर, यहाँ तक कि जानवर काफी कठिन समस्या से गुजरे हैं, इसको मैं सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहूंगा। क्या इससे पहले भी कभी आप चुनाव मैदान में आए थे? सर, एक बार चुनाव मैदान में आए थे और ये चिरंजीवीपुर पंचायत की जनता हमें इतना दुलार और इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया, जो हम आज विपक्ष के रूप में आए थे और हमारा सपना पिछले बार ही था कुछ कर गुजरने का, लेकिन नहीं हो सका। खैर कोई बात नहीं, लेकिन कहावत है मतदाता वाली, इस बार अगर अपना बहुमत अगर हमें देते हैं तो सबसे पहले मैं चिरंजीवीपुर के विकास और भ्रष्टाचार और अपने युवा पीढ़ी के बारे में, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में, सबसे पहले किसान मजदूर भाइयों के जितने भी समस्या है, उनके बीज खाद जितने भी समस्या है, सबके लिए मैं उनको उपलब्ध कराने का काम करूंगा। आप पिछले बार दूसरे स्थान पर रहे, तो आप विपक्ष के रूप में रहकर आपने पंचायत की क्या क्या समस्याओं को आपने उठाया? सबसे पहले तो विपक्ष के रूप में जब मैं आया था, समस्या उठाए, लेकिन मैं समस्या को यहाँ तक ये कहना चाहूंगा, समस्या का कोई निदान नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जब आप किसी का एक ऐसा चीज होता है पंचायत में, मुझे जितना मुझे अनुभव है इस 45 साल के दरमियान में, जो सत्ता जब मिल जाता है ना लोगों को, तो इस सत्ता को अपना बकोटी समझते हैं। वहां पे किसी भी विपक्ष को हमेशा तिरस्कार के रूप में देखते हैं। और यही पंचायत में दो पंचवर्षीय से मैंने जो देखा, तिरस्कार की भावना देखा गया। और मैं बहुत सारे प्रतिनिधि से भी मिला, इसके बारे में आवाज भी उठाया, लेकिन आवाज को जहां से उठाया वहीं से दबा दिया गया। लेकिन इस बार चिरंजीवीपुर की जनता, हमारे सम्मानीय जनता जितने भी हैं चिरंजीवीपुर के, सब समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, और इस बार परिवर्तन की लहर उठ चुकी है, सब लोगों ने ठाना है, और इस बार नवीन शर्मा को ही विजय बनाना है। और इस हर घर से आवाज आ रही है, इस बार पंचायत का तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए भाई नवीन शर्मा को विजय बनाना है। तो हमारे साथ चुनावी यात्रा में मौजूद थे रजवाड़ा प्रखंड अंतर्गत चिरंजीवीपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी नवीन शर्मा। और सबसे महत्वपूर्ण इनकी एक बात मुझे लगी, हालांकि इन्होंने चुनावी वादे तो बहुत किया, नहीं मैं जीतता हूं तो चिरंजीवीपुर पंचायत की तस्वीर तकदीर दोनों बदलूंगा। हालांकि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल में कैंडिडेट्स तो वादे तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या वादे पर खड़े होकर पाते हैं, ये तो चुनाव समापन होने के बाद विजयी जब होंगे तब पता चलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनकी एक बात मुझे लगी, जिन्होंने लास्ट में बोला कि मैंने 45 वर्षों में देखा कि जब सत्ता जब आ जाती है तो सत्ता को अपनी बकौटी समझते हैं, जनता को से उनका अधिकार छीन लिया जाता है। यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जनता का अधिकार है, जनता के अधिकार का हनन होता है। क्या इस बार अगर चिरंजीवीपुर पंचायत में
अगर परिवर्तन होता है तो क्या उस परिवर्तन में जो जनता का अधिकार है क्या उन तक पहुंच पाएगा। तो हमारे साथ मौजूद थे नवीन शर्मा, इन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने बताया कि यदि मैं विजयी होता हूं तो चिरंजीवपुर पंचायत की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और मैं चुनावी यात्रा में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न प्रत्याशियों की सोच और उससे महत्वपूर्ण मैं जनता के बीच आपको ले चलूंगा और वहां से उनके मुख से सुनवाऊंगा कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनके और क्षेत्रों में क्या क्या काम हुआ है और उन तमाम समस्याओं को वो लोग कैसे झेल रहे हैं। और पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का माहौल चल रहा है, प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत में प्रत्याशी अपना दम खम लगा रहे हैं, अभी तक क्षेत्र में चुनाव प्रसार प्रसार प्रारंभ नहीं हुआ है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए विजय न्यूज़ बिहार, दीपक कुमार राय के साथ।